फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। दोस्तों लवली इनू कॉइन से जुड़ी कुछ अपडेट्स आपके लिए मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। और अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में अभी अप और डाउन वाला मोमेंट बना हुआ है, लेकिन अगर हम लवली इनू कॉइन की बात करें तो आप देख सकते हैं इस पर इतना ज़्यादा इम्पेक्ट मार्केट का पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लगभग 15% 24 आवर्स में भी ये बढ़ चुका है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ग्रीन कैंडल्स लगातार बनती जा रही है, और अगर ऐसा ही रहा तो ये 10 को एलिमिनेट कर सकता है, जैसा कि पोस्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है चार्ट पर। और यहाँ पर ऐसा इसलिए भी हो सकता है दोस्तों कि कुछ दिनों में काफ़ी बड़ी अपडेट जो है इनकी तरफ से निकल कर आने वाली है, मतलब बर्निंग से जुड़ी हुई। जो 1 तारीख को बर्निंग होगी, मतलब आज से 2 दिन बाद, उसके साथ ही जो लिस्टिंग होने वाली है 2 एक्सचेंजेस पर, एक इंडो एक्स इंटरनेशनल और एक कॉइन टीगर, 2 एक्सचेंजेस पर इसकी लिस्टिंग होगी, जहाँ से आप देखेंगे कि इसके प्राइस में आपको और ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। वैसे कल के दिन में इसने अपने ऑल टाइम हाई को भी छू लिया था, जो आप देख सकते हैं। अगर हम 24 आवर्स लो की बात करें तो गया 65 तक हाई किया है, 889 तक। और यहां पर भी आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है वो लगातार बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। और अगर हम 24 आवर्स वॉल्यूम की बात करें तो वो आप देख सकते हैं लगभग $298 मिलियन है। अगर ऑल टाइम हाई देखें तो वो गया था $0.000000 उससे अभी लगभग 18% कम है, जो कल के दिन में गया था August 29 को। यहां पर आप देख सकते हैं जो लवली इनू कॉइन है वो 17 जुलाई को आया था, इसकी लॉन्चिंग को तकरीबन 1.5 महीना भी नहीं हुआ दोस्तों। आप देख सकते हैं इसका प्राइस कितनी तेजी से बढ़ रहा है, 24 आवर्स में भी ये लगभग 19% बढ़ चुका है। अगर हम देखें तो अभी ये बुलिश मोड में, और अगर ये बुलिश मोड चलता रहा दोस्तों तो आप देख सकते हैं इसका प्राइस और ज्यादा ऊपर की ओर जाएगा। और दोस्तों अगर हम लास्ट 1 मंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका प्राइस लगभग 2230% बढ़ा हुआ है। और इसका कंपेरिजन अगर आप ETH और BTC के साथ भी करें लास्ट 1 मंथ में, तो इसने इन दोनों को भी पीछे कर दिया है। इसीलिए कई लोगों के स्कैन भी लगता है कि नहीं जल्दी ये प्राइस कैसे बढ़ रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप यहां पर देखें दोस्तों तो BKX, इसके अलावा बीटमार्ट और लार टोकन अवेलेबल है। यहां से आप इन एक्सचेंजेस से आप इस कॉइन को बाय कर सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम इनके व्हाइट पेपर पर जाएं तो यहां पर आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल जाएगी जो इनके रोड मैप में है। और अगर ये कंप्लीट होता है दोस्तों तो आप अगर अभी इस कॉइन को बाय करते हैं तो आने वाले समय में आपको 100x 500x तक का प्रॉफिट दे सकता है। 100x की बात करूं तो अभी दे दिया है दोस्तों कई लोगों को, और कई लोगों ने यहां पर सिर्फ $5 लगाए थे, उससे कई गुना प्रॉफिट उन्हें अभी तक अर्न हो चुका है। अगर हम यहां पर देखें दोस्तों तो वेबसाइट लॉन्च हुई है, ICO हो गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पैनकेक स्वैप पर लिस्टिंग हो चुकी है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कॉइन जेको, कॉइन मार्केट कैप और यहां पर बाइनेंस, जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है दुनिया का, उस पर लिस्टिंग करने की बात भी इन्होंने कही है, जो इनके रोड मैप में आपको दिखने को मिल रही है। जहां तक बात करें दोस्तों बाइनेंस की, तो कोई भी कॉइन जब आता है मार्केट में तो उसका एक सपना होता है कि वो बाइनेंस पर भी लिस्ट हो। और अगर ये कॉइन बाइनेंस पर लिस्ट होता है, कोई सा भी कॉइन जब लिस्ट होता है, तो उसके प्राइस में इतना पंप देखने को मिलता है कि वो अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाता है। मतलब अगर अभी आप देखें तो ऑल टाइम हाई को अभी छू लिया है इसने, लेकिन ये ऑल टाइम हाई कुछ भी नहीं है, यहां से कई 0 एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब 2 से 3 0 आपको एलिमिनेट होते हुए दिख जाएंगे, जैसा कि शिबा इनू के साथ हुआ था। शिबा इनू लगभग 5 0 के आसपास घूम रहा था, उसके 2-3 0 वहां से कम हो गए थे और 0.0028 पर आ गया था एक समय जब वो बाइनेंस पर लिस्ट हुआ था। तो यहां पर अगर कोई भी कॉइन लिस्ट होता है बाइनेंस पर तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट उसके प्राइस पर पड़ता है। तो अगर यहां पर लवली इनू कॉइन भी आने वाले समय में बाइनेंस लिस्ट पर होता हुआ दिखाई दे, अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल बाद भी अगर लिस्ट होता हुआ दिखाई दे, वैसे इनका जो विजन है वो $1 तक पहुंचाना है इसे 2021 तक, लेकिन अगर 1 साल तक नहीं भी पहुंचता और उसके बाद बाइनेंस पर लिस्ट होता है तो भी आप देखेंगे इस कॉइन से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। शायद ही आज के समय में ऐसा कोई कॉइन है दोस्तों जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप दूसरे कॉइन्स को देखें तो वहां पर 15-20% 25% आगे बढ़ता है, लेकिन ये लगभग अगर आप देखें तो जब भी इसकी बर्निंग होती है या कोई इवेंट आता है, इसका प्राइस लगभग 200-300% बढ़ जाता है। तो यहां पर आप इस कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वही पैसा इन्वेस्ट करें जिसके डूबने से आपको बिल्कुल भी पैनिक ना हो। और पैनिक आपको यहां पर नहीं होना है, ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर इसका प्राइस जो है वो थोड़ा डंप भी होगा, जैसा कि बीच में हुआ था, लगभग $0.0003 की सीरीज में आ गया था, लेकिन वहां से फिर से पंप होगा, क्योंकि जो वेल्स होते हैं दोस्तों वो कॉइन को बेच देते हैं, मार्केट जो होता है वो डंप हो जाता है, फिर डंप मार्केट में आप भी उसे बेच देते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। और कोई भी अपडेट निकल कर आती है लवली इनू कॉइन से जुड़ी हुई तो हम आपको जरूर बताएंगे। यहां पर 2 दिन बाद, मतलब 1 तारीख को फिर से 5 ट्रिलियन कॉइन बर्न किए जाएंगे। अभी तक अगर हम बात करें तो 85 ट्रिलियन सप्लाई है, और फिर 5 ट्रिलियन बर्न हो जाएंगे तो टोटल सप्लाई बचेगा 80 ट्रिलियन।
बिलियन। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर खरीदना है तो जब ये डाउन में जाए तब आप खरीद लें, इससे पहले डाउन में गया था, लेकिन और हो सकता है थोड़ा कल के दिन में हमें अगर देखने को मिल जाए इसका प्राइस थोड़ा डाउन हो जाए। वैसे ऐसा लग तो नहीं रहा है क्योंकि अब इवेंट करीब आ चुका है। दोस्तों और कोई भी अपडेट निकल कर आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।